नमस्कार मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ हम लोग इंडक्शन uh, मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे जो प्रीवियस लेक्चर में रहा था वो टार्क स्लिप कार्टिस्टिक था आज हम लोग स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग जोन ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है तो जो आज मेरा टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग जोन ऑफ इंडक्शन मोटर अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है आप लोगों को पता होता है स्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर किसी सिस्टम पर हम लोग ट्रांजेंट डिस्टर्बेंस करें और सिस्टम क्या जा? आ जाए पुनः अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी बोलते हैं और ऑपरेटिंग जोन क्या होता है उसको अभी हम लोग समझते हैं एक एक करके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द इंडक्शन मोटर तो स्टेबिलिटी क्या है यदि किसी सिस्टम में मतलब सिस्टम से यहाँ से अर्थ है कि, कि किसी इंडक्शन मोटर में ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस मतलब एक बैग हमने उसके लोड को क्या कर दिया हटा दिया या झटके से मोटर के ऊपर हमने लोड लगा दिया तो क्या होगा अगर ये आपका इंडक्शन मोटर है मान लेते हैं ये इंडक्शन मोटर है ये उसका सॉफ्ट है इस पर हमने क्या कर दिया एक टीयर मतलब लोड इस पर क्या कर दिया अप्लाई कर दिया मतलब लोड जो लगा दिए इस पर तो एक बैग अगर स्टेंटली इस, इस पर लोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है अगर हम बहुत तेज चल रहे हैं मेरे ऊपर बोझ लाद दिया जाए तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ये हमने क्या किया ट्रांजिएंटली इसके ऊपर हमने क्या एक लोड एक झटके में बढ़ा दिया तो क्या होगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन इसकी स्पीड तो कम हो गई लेकिन हमें क्या करना है तो लेकिन ये क्या होगा धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में यदि वापस आ जाती है तो मोटर को हम क्या बोलेंगे कि वो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है वही हमने लिखा है ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस के बाद सिस्टम पुनः नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो उसे स्टेबल कंडीशन कहते हैं या उसे स्टेबल सिस्टम कहते हैं या उसे स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी में हम बोलेंगे वो मोटर स्टेबल सिस्टम में है ठीक है अब इसको हम समझेंगे कैसे जैसे हमने एक लोड लगाया तो उस पर क्या लगा वो क्या करना है? उसकी रोटेशन की स्पीड क्या कर दिया कम कर दिया मतलब एक आपने लोड बढ़ा दिया एक बैग लोड बढ़ा दिए तो उसकी क्या हो गई उसकी स्पीड कम हो गई किसकी वजह से क्योंकि उस पर लोड टार्क बढ़ गया टार्क तो आप जान जानते हैं फोर्स लगाने पर वो अपने एक्सिस के चारों तरफ क्या करने लगे मूव करने लगे तो उसको उस फोर्स को क्या बोलते हैं टार्क बोलते हैं तो क्लियर है तो, तो इसका मतलब क्या है कोई चीज़ घूम रही है तो उसकी वो जो घुमाने वाली जो टार्क होती है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टार्क जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टार्क को हम क्या बोल रहे हैं मोटर टार्क मतलब टीएम बोल रहे हैं और जिस पर हम लोड लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं टीएल लोड बोल रहे हैं मतलब टीएल टार्क लोड बोल रहे हैं ठीक है क्लियर है क्योंकि ये क्या करता है दोनों की दिशा क्या होगी अपोजिट होगी क्योंकि क्यों मोटर क्या करेगा घुमाने की कोशिश करेगा और लोड क्या करेगा उसे घुमाने मतलब उसे रोकने की कोशिश करेगा अर्थात हम क्या बोल सकते हैं टीएम और टीएल की दिशा क्या होगी अपोजिट होगी इसका मतलब जब क्या होगा तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा ये तो क्लियर है अब हम लोग डायनमिक इक्वेशन की बात करते हैं आप लोगों को पता है इक्वेशन क्या होता है जे डी स्क्वायर थीटा टी जे डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर ये क्या है ये एसलरेशन है एसलरेशन मतलब क्या है मतलब अगर टीएम क्या होगा बड़ा होगा मोटर टार्क बड़ा होगा तो वो क्या करेगा और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी मतलब उसके अंदर एक्सलेशन आने लगेगा और टीएम छोटा होगा तो वो डी होने लगेगा मतलब वो उसकी स्पीड घटने लगेगी क्लियर जे क्या है ये इनर्शिया कांस्टेंट है तो अब हमने ये जो आपका इक्वेशन है जे डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू टीएम टीएम माइनस टीएल ये क्या है डायनेमिक इक्वेशन है क्लियर है यहाँ पर डी थीटा अपान डी टी को हम लोग पता है ये इसको क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं और स्पीड को क्या करें एक बार पुनः अगर स्पीड को एक बार पुनः डी टी के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन बन जाएगा अर्थात ये क्या है डी स्क्वायर थीटा डी को हम क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन या डी ओमेगा डी थीटा डी की जगह हम डी टी की जगह डी ओमेगा डी टी भी लिख सकते हैं क्लियर है अब यहां पर हम वो कंडीशन लाएंगे कि कोई सिस्टम कब स्टेबल है कब अनस्टेबल है जैसे हमने लिया एक अब पहले बात करते हैं कि कब सिस्टम स्टडी स्टेट कंडीशन में होगा मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब उसमें ना ही उसकी स्पीड बढ़े और ना ही उसकी स्पीड घटे तो ये क्या मतलब हम क्या बोलेंगे मतलब हमने बोला जब उसकी स्पीड क्या रहे कांस्टेंट रहे ना बढ़े ना घटे अर्थात कांस्टेंट रहे तो हमने मान लिया कि मोटर की स्पीड क्या है कांस्टेंट है जब मोटर की स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अगर डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा अभी हमें पता है इसका हम लोग थीटा डी स्क्वायर है टीएम माइनस टीएल लिखे थे अब चूंकि ये वैल्यू क्या है ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई तो क्या लिख सकते टी एम इक्वल टू टी एल तो इसका मतलब क्या है अगर मोटर स्टडी स्टेट कंडीशन में होगा तो टीएम टू क्या होगा TL होगा वही हमने लिखा है अर्थार्थ स्टडी स्टेट कंडीशन में मोटर की स्पीड कांस्टेंट रहती है यह तभी संभव है जब टीएम टू टीएल हो मतलब मोटर टार्क की वैल्यू लोड टार्क के बराबर हो क्लियर है आप खुद सोचिए अगर Tm और TL क्या है बराबर तो स्पीड नहीं बढ़ेगी अब मोटर की टार क्या होगी ज्यादा होगी तो क्या होगा तो टी छोटा है तो क्या होगा वो तेजी से दौड़ेगा भागेगा घूमेगा या सीधी बात मेरी ताकत क्या है ज्यादा है और मेरे ऊपर जो बोझ लगा है वो हल्का है तो हम तेजी से दौड़ेंगे अब जितनी मेरी ताकत उतना ही लोड बांध दिया जाए तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी अब मान लेते बहुत ज्यादा लोड मेरे ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगी मेरी स्पीड घट जाएगी क्लियर है तो यही चीज क्या हमने यहां पर दिखाया है जिसको हम डायनेमिक इक्वेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं अब बात करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या होता है हमने दो चीज़ पाया एक टीएम पाया एक मोटर टार्क पाया एक लोड टार्क पाया तो अभी आपको क्लियर होगा जो स्लिप टार्क कैटिस्टिक की बात कर रहे थे याद कीजिए जब स्लिप टार्क कैटस्टिक की बात कर रहे थे उसमें आपका क्या था हम लोग जब स्लिप टार कैटिस्टिक का ग्राफ खींचे थे तो इसको हमने लिया था मोटर टार्क या टीई लिखते थे याद कीजिए और यहां पर ये क्या थे यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या आती थी जीरो और यहाँ पर स्लिप की वैल्यू गलत लिख दिए पर स्लिप की वैल्यू वन और यहाँ स्लिप की वैल्यू जीरो और ये ग्राफ ऐसे जाता था इसी को हम क्या बोलते थे टीई बोलते थे जबकि यहां पर हम यहाँ टीएम बोल रहे हैं ठीक है तो ये क्या है ये आपका मोटर का स्लिप टाइक स्टिक है तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है टी -E है या टीएम बोल रहे हैं यहाँ पर चूंकि मोटर टार्क बोल रहे हैं और चूंकि ये को है दिखा रहे है। ये मैक्सिमम टार्क होते ही है यहाँ पर अब देखिए क्या है हमने टीएम टीएम तो बता दिए हमने एक लोड टार्क लगाया जिसकी वैल्यू क्या हमने मान लिया कांस्टेंट है मतलब उसके ऊपर एक कांस्टेंट लोड लगा दिया तो उसका लोड टार्क क्या बराबर होगा तो स्ट्रेट लाइन हमने दिखा दिया इसको हमने टीएल बोल दिया क्लियर है अब क्या होता है जब टीएम मोटर टार्क करटिस्टिक और लो का काटिस्टिक जहां कट करती है उस पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते है। तो आगे आगे हैं मतलब जहां कट करेगी तो यहाँ कितनी जगह कट कर रही है दो जगह एक पॉइंट ए पर और दूसरा पॉइंट बी पर इसका मतलब यहाँ पर दो ऑपरेटिंग पॉइंट हो गए एक पॉइंट ए हो गया दूसरा पॉइंट बी हो गया, गया। ध्यान रखिएगा हर ऑपरेटिंग पॉइंट पर हर एक ऑपरेटिंग पॉइंट पर टीएम की वैल्यू टीएल होगा मतलब मोटर ठार और लोड ठार क्या होंगे बराबर होंगे इसके लिए भी सत्य है और बी के लिए भी सत्य है क्लियर है अब बात करते हैं मेरा क्वेश्चन क्या था मेरा क्वेश्चन था आप, आ, का स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना कि ये पॉइंट स्टेबल होगा कि ये पॉइंट स्टेबल होगा किसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी पॉइंट ए की या पॉइंट बी की तो इसको हम लोग समझते हैं अब देखो भाई क्या है थोड़ा तो सा तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमने लिखा था जो यहाँ समझाए वही यहाँ पर लिखे भी है ऑपरेटिंग पॉइंट पी वो पॉइंट होती है जहाँ पर मोटर टार्क टीएम और लोड टार्क टी एक दूसरे को कट करती जो हम बता चुके हैं अब मेरा पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट है पॉइंट ए या पॉइंट बी कौन सा इसमें किसकी स्टेबिलिटी अच्छी है अब बात करते हैं पॉइंट ए की बात करते हैं क्लियर अब देखिए पॉइंट ए की जब बात करेंगे तो पॉइंट की जब बात करते हैं तो क्या है यदि स्पीड ओमेगा को बढ़ाया जाए मतलब क्या कि एक बैग इसका लोड हटा दिया जाए मतलब तभी तो बढ़ेगा हमने क्या कर दिया टीएल को एक बैग हटा दिया तो टीएल को एक बैग हटा देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी लेकिन अगर पॉइंट ए स्टेबल होगा तो स्पीड आपने बढ़ाया तो स्पीड क्या होना चाहिए अपने आप एक घट जानी चाहिए तो वही देखेंगे कि मतलब वो अपने नॉर्मल कंडीशन पर वापस आ जाए उसी को तो क्या बोलते थे स्टेबिलिटी बोलते थे तो यहां पर हमने एक बैग लोड को हटा दिया तो लोड को हटा देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी अब देखो भाई जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा अगर फार्मूले से बात करें तो जे डी स्क्वायर थीटा तो टीएम क्या आपका जब गल्ध गल्ध आपने बढ़ा दिया तो टीएम क्या आपका बड़ा हो जाएगा और टीएल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा क्लियर है आप आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब डे जे डी स्क्वायर थीटा आप करेंगे जे यहां आपने लिखा जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस टी लिखे अब आपने क्या कर दिया आपने स्पीड को बढ़ा दिया स्पीड को बढ़ाने का अर्थ क्या है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो से बड़ी आ जाएगी या ऐसे आपने बोल दिया कि आपने क्या क्या स्पीड को बढ़ाया ऐसे समझते हैं स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा पहले स्पीड क्या था यहाँ पर था आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो स्पीड क्या बढ़ करके इधर तो जाएगी अब पहले फोर्टी परसेंट स्पीड थी अब स्पीड किस पर चली जाएगी मान लेते 60 सिक्सटी परसेंट पर चली जाएगी तो यहाँ से खुद देखिए इस कंडीशन पर अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है ये आपका टीएम है और ये आपका टीएल है तो कौन बड़ा है तो इससे क्लियर है टी बड़ा है तो हमने मान लिया टीएम बड़ा है क्लियर है जब टी बड़ा है और टी छोटा है तो जो डायनमिक इक्वेशन है जे डी ओमेगा जे डी ओमेगा जे डी ओमेगा डी टी टी एम माइनस टी एल तो यहाँ से आपका क्या है? ये टी एम क्या आपका बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका क्लियर समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी क्योंकि टी एम बड़ा है तो जीरो से बड़ी आने का अर्थ क्या है इसमें एक्सलरेशन आ जाएगा एक्सलरेशन का अर्थ क्या है कि इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी तो पहले स्पीड क्या थी फोर्टी परसेंट थी अब बढ़ बढ़ा करके आपने सिक्सटी परसेंट कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी 70 परसेंट और बढ़ जाएगी तो इसका क्या है ये हमने क्या बोला स्टेबिलिटी वो पॉइंट होती है इसको बोलते हैं कि जहाँ पर स्पीड को बढ़ाएंगे या ट्रांजेंट डिस्टरबेंस करेंगे वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपने स्पीड को बढ़ाया स्पीड और बढ़ गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पॉइंट ए आपका स्टेबल पॉइंट नहीं हुआ ये स्टेबिलिटी यहाँ अच्छी नहीं है अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की बात करते हैं कि पॉइंट बी पॉइंट बी की स्टेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है यहां पर देखते हैं अब देखें पॉइंट बी की बात करते हैं पॉइंट बी पर सेम कंडीशन करेंगे यहां पर स्टेंटली लोड को टीएल को कम कर देंगे तो टीएल को आप सीधे मेरे ऊपर अगर बोझ लदा है हम दौड़ रहे हैं मेरे ऊपर बोझ को हटा दिया जाए तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी वही हमने किया अगर हमने लोड टार को क्या कर दिया एक बार बढ़ा दिए हटा दिए तो स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी मान लें किसी कारण से या ऐसे ही बोल सकते हैं किसी कारणवश से इसकी स्पीड बढ़ जाए तो स्पीड बढ़ जाने का अर्थ क्या है यहां पर था स्पीड बढ़ गई इस समय स्पीड कितनी थी आप देख सकते हैं मान लेते हैं नाइनटी परसेंट है, है. स्पीड बढ़ जाने का मतलब यहां पर नाइनटी फाइव परसेंट हो गई मान लेते हैं अब ये स्पीड कितनी हो गई नाइन परसेंट नाइन परसेंट हो गई लेकिन अब यहां पर ये क्या है टीएम ये हो गया और टीएल ये है अभी भी वही है तो इस समय बड़ी का ये बी पर क्या था बी पर टीएम और टीएल बराबर था लेकिन आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो टीएल तो वही रह गया लेकिन टीएम क्या हो गया छोटा हो गया तो टीएम आपका यहां हमने दिखा दिया कि टीएम छोटा हो गया क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं है अब हम बात करते हैं डायनेमिक इक्वेशन की बात करते हैं तो डायनेमिक इक्वेशन से आप देखेंगे तो क्या है आपका टीएल बड़ा है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी मतलब निगेटिव का अर्थ है इसकी वैल्यू जीरो से कम आएगी अर्थात इसकी स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी मतलब मतलब क्या है कर जाएगा तो इसका जो आपने स्पीड को बढ़ाया था वो ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगी वो घट करके पुनः वही हो जाएगी जो पहले थी इसका मतलब क्या बोलेंगे पॉइंट बी जो है वो स्टेबल पॉइंट है मतलब उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है इसी तरह यदि आप स्पीड क्या कर दीजिए बढ़ा दी अभी आपने बढ़ाया था अब स्पीड को आप चाहिए तो घटा दीजिए तो घटाएंगे तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जानी चाहिए बढ़ जानी चाहिए इसका देख सकते हैं मान लेते इसकी स्पीड हमने उल्टा ले रहे हैं कि इसकी स्पीड हम क्या कर दिए घटा दिए तो घटाने का अर्थ क्या हुआ कि जो पॉइंट बी था अब ये नाइन्टी था वो स्पीड क्या हो? घट करके एट्टी हो गई मान लेते हैं क्लियर है अब 80% हो गई तो यहां पर टीएम तो ये हो गया और टीएल क्या हो गया वही है इसका हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन पर टीएम क्या है ग्रेटर देन टीएल आप देख सकते हैं टीएम आपका बड़ा है टीएल से तो अगर हम इस इक्वेशन से बात करें तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा ये जे डी स्क्वायर मतलब डी ओमेगा डीटी को लो क्या आएगी अगर टीएम चूंकि बड़ा है टीएम चूंकि यहां पर क्या है बड़ा है टीएम बड़े होने का अर्थ है इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो से बड़ी होगी जीरो से बड़ी होने का अर्थ क्या है इसमें एसलरेशन होगा एक्सलरेशन का अर्थ क्या हो जाएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी आपने स्पीड को क्या किया था घटाया था और यहाँ पर सिस्टम ने क्या कर दिया स्पीड को ऑटोमेटिक बढ़ा दिया बढ़ा करके वही स्पीड ला दिया जो पहले था अर्थात पॉइंट बी क्या हो गया स्टेबल पॉइंट हो गया इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है ये हम प्रूव करना चाह रहे थे तो यहां से हमें क्या मिला पॉइंट ए और पॉइंट बी इसी तरह पॉइंट बी में क्या ए में क्या करेंगे अगर स्पीड को घटाएंगे तो ये और घट जाएगा अब देख लीजिएगा तो इसका मतलब क्या है पॉइंट ए जो है मेरा ये अनस्टेबल है और पॉइंट बी जो मेरा है वो स्टेबल पॉइंट है इससे यहां पर प्रूफ हो जाता है किस इक्वेशन से डायनेमिक इक्वेशन से अब देखिए अब जो स्टेबिलिटी जो ज्ञात करते हैं वो क्या है दो नियम से ज्ञात कर सकते हैं एक नियम तो हमने बता दिया कि स्पीड को आप क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए घटा दीजिए तो वो क्या जाए अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल कंडीशन बोलते हैं तो यहाँ हमने वही लिखा है स्पीड को ओमेगा या ओमेगा को बढ़ाने पर या ओमेगा को घटाने पर स्पीड पुनः नॉर्मल स्पीड में रिटर्न आ जाए जिससे हम स्टेबिलिटी क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं दूसरा जो फार्मूला है मैथमेटिकल फार्मूला है उसकी हम वो फार्मूला क्या है डी टी एम बाई डी डी ओमेगा मतलब मोटर टार को क्या कर दे स्पीड के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दीजिए तो उसकी वैल्यू लोड टार को स्पीड से डेरिवेशन करेंगे यदि बड़ा आता है मतलब मोटर टार्क बड़ा आता है मोटर टार का डेरिवेशन लोड टार के डेरिवेशन से बड़ा आता है तो उसको अनस्टेबल बोलेंगे उसका उल्टा बोल रहे हैं अगर लोड टार क्या है बड़ा है मोटर टार्क से तो हम बोलेंगे उसको स्टेबल बोलेंगे यहाँ पर क्या है इससे भी आप क्या ज्ञात कर सकते हैं कि कोई पॉइंट स्टेबल है या कोई पॉइंट अनस्टेबल है जब भी अगर हम स्टेबिलिटी ज्ञात करनी होगी तो ये इस वाले इक्वेशन से हम मतलब इस नियम से ज्ञात करेंगे ये इसलिए बता रहे हैं कभी कभी ये क्या होता है ये एम सी क्यू में कंपटीशन वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है ये फार्मूला पूछ लेता है इसलिए ये फार्मूला मुझे पता होना चाहिए लेकिन इस फार्मूले से हम इसको दिखा भी दे रहे हैं जो अभी हमने कराए थे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में हम इस इक्वेशन से भी उसको दिखा देते हैं कि पॉइंट ए या पॉइंट बी स्टेबल है या नहीं है अब देखिए बात करते हैं पॉइंट ए की बात करते हैं ध्यान देखिए तो अगर आपने क्या किया इस पॉइंट पर यहाँ पर अगर हम बात करें डी टी एम अपन डी ओमेगा तो डी टी एम अपन डी ओमेगा का डेरिवेशन कैसा जाएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्योंकि ये पॉइंट ये स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा ना तो ये क्या आपका डी टी एम अपन डी ओमेगा और जो इसकी बात करें इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन जीरो आएगी क्योंकि ये पास की तरफ बढ़ रही मतलब जीरो से ऊपर जा रही है अगर हम बात करें ये डी टी एम अपन डी एल डी टी डी टी एल अपन डी ओमेगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो टी एल चूंकि तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो बताइए इसमें कौन बड़ा है डी टी एम बड़ा है कि डी टी एल मतलब टायर का डेरिवेशन बड़ा है तो क्लियर है कि मोटर का डेरिवेशन बड़ा है तो मोटर का डेरिवेशन ये है आपका इसका मतलब ये पॉइंट ए क्या हो ये पॉइंट ए को फुलफिल कर रहा है तो ये पॉइंट ए क्या हो गया अनस्टेबल हो गया अब बात करते हैं यहां पर बात करते हैं यहाँ ये आपका टीएम है तो टीएम का ये क्या हो जाए ये आपका डी एम अपान डी ओ ये क्या नीचे की तरफ जा रहा है इसका ये क्या है लेस देन जीरो की तरफ जा रहा है और ये क्या है ये तो आपका पता है चूंकि कांस्टेंट है तो इसका जीरो आएगा देखिए जीरो बड़ा है कि निगेटिव बड़ा है तो जीरो बड़ा है तो इसका यहां से लेंगे। तो ये और फार्मूले तो 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 Math से भी स्पष्ट हो रहा है कि पॉइंट ए स्टेबल पॉइंट है और पॉइंट बी अनस्टेबल पॉइंट है वही हमने यहां पर दिखाए हैं आप देख लीजिए जो अभी हम समझाए यहां पर लिखे हैं ठीक है अब देखिए बात करते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज क्या है इसका एक डिसएडवांटेज ये है अगर हमने स्पीड इस को इसका डिस चलिए आगे हम बताते हैं अगर हमने क्या किया एक्स एक्सिस पर टार्क लगा दिया यहां पर हमने टार्क को ले लिया और यहाँ पर स्पीड को y एक्सिस पर ले लिया ये आपका स्पीड है जिसको हमने किस पे दिखाया स्लिप से दिखाया है तो स्पीड क्या होगा यहाँ पर हंड्रेड परसेंट स्पीड होगा तो स्लिप क्या होगा जीरो होगा यहाँ पर स्पीड क्या होगा जीरो होगा तो स्लिप आपका वन होगा क्लियर है अब देखिए बात करते हैं पॉइंट ए पर बात करते हैं इस कंडीशन में पॉइंट ए की बात कर रहे हैं आपने क्या किया स्पीड को बढ़ाया आप घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं दोनों सत्य है आप जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो ये क्या जाएगा ये स्पीड ऊपर जाएगा तभी तो, तो बढ़ेगा क्योंकि हंड्रेड परसेंट है तो ये पॉइंट यहाँ आ गया अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या है ये आपका टीएम है और ये आपका टीएल है ये आपका टीएल है इस समय कौन है टार का ये आपका टार यहाँ इस, इस, ये आपका टार को दिखा रहा है तो इस समय आपका दिख रहा है टीएल क्या है आपका छोटा है और टी एम आपका बड़ा है तो यह हमने लिखा कि टीएम बड़ा है और टी एल छोटा है क्लियर है अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं डैनिक इक्वेशन से क्योंकि टी एम आपका क्या है टी एम बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टी एम ये आपका डी ओमेगा डी टी की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी जीरो से बड़ी आने का अर्थ क्या है एक्सलरेट करेगा एक्सलरेट करने का अर्थ क्या है स्पीड बढ़ जाएगी आपने स्पीड को बढ़ाया था आ, और स्पीड बढ़ जा रही है इसका मतलब पॉइंट ए क्या होगा अनस्टेबल होगा चूंकि ये वही ग्राफ है हमने जो स्लिप टेटिस्टिक का हमने मिरर ग्राफ ले लिया है मिरर इमेज ले लिया है तो ये है तो ऐसा मत सोचिए ये कुछ भी हो सकता है लेकिन आप ऐसे सिंपल नहीं देते तो गेट में इसके इस पर एक क्वेश्चन आते हैं कि वो सिंपल नहीं होता है उसको आप देख करके नहीं बता सकते हैं कौन स्टेबल है कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, है। वहां पर ये फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा या इस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा पॉइंट ए तो हो गया अब बात करते हैं पॉइंट बी की बात करते हैं पॉइंट बी में अब देख रहे हैं कि अगर आप स्पीड को बढ़ा दिए तो स्पीड बढ़ाने पर क्या होगा पहले स्पीड ये था अब स्पीड क्या हो गया ये हो गया अब यहां पर क्या था यहां पर टीएम और टीएल क्या थे बराबर थे अब यहां पर क्या होगा इस कंडीशन पर देखेंगे इस कंडीशन पर आपका टीएम तो तो वही है जो पहले था तो अगर ध्यान से देखिए तो इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा इस कंडीशन पर आपका ये क्या है टीएम है और ये टीएल है तो यहाँ पर क्या है टीएल आपका बड़ा है तो टीएल आपका यहां पर क्या है बड़ा है तो टीएम बड़े होने का अर्थ क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी मतलब जीरो से छोटी आएगी छोटी आने का अर्थ क्या है स्पीड और घट, घट जाएगी मतलब आपने स्पीड को बढ़ाया था तो सिस्टम ने स्पीड को घटा दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम लोग स्टेबल पॉइंट बोलेंगे क्योंकि ये सिस्टम स्टेबिलिटी ला रही है क्लियर है अब देखिए हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग जोन की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग जोन क्या होती है अब देखो भाई क्या है जोन का अर्थ क्या होता है जोन मतलब एक एरिया होता है ठीक है एरिया मतलब कौन सा एरिया मतलब वो एरिया जहां पर सारे पॉइंट जहां पर सारे पॉइंट क्या हो सारे पॉइंट स्टेबल कंडीशन में हो या सारे पॉइंट की स्टेबिलिटी अच्छी हो क्लियर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग जोन मतलब स्टेबिलिटी अच्छी हो करने का अर्थ क्या है अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक स्पीड को घटा देगा यदि आप स्पीड घटाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक उसकी स्पीड को बढ़ा देगा इसी को हम क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी बोलते थे मतलब वो उस एरिया के सारे पॉइंट क्या हो उस एरिया के में सारे पॉइंट क्या हो आपके स्टेबल हो उस जोन को या उस एरिया को क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग जोन कहते हैं हमने वही लिखा है ऑपरेटिंग जोन वह जोन होता है जहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल होता है क्लियर है अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि एक ऐसे लाइन खींचे थे हमने बोला था ये ए क्या है अनस्टेबल है और बी क्या है हमने बोला था ये स्टेबल है अगर ये जैसे आपने ये पॉइंट बी पाया ऐसे आप यहां पर देखिए तो भी स्टेबिलिटी आपको यहां पर भी मिलेगी यहां पर देखिए तो भी स्टेबिलिटी मिलेगी यहां पर देखिए तो भी स्टेबिलिटी मिलेगी यहां पर भी स्टेबिलिटी मिलेगी यहां पर स्टेबिलिटी मिलेगी इसका मतलब क्या है आपका वैल्यू एस एम टी मतलब वो स्लिप जहां पर आपको मैक्सिमम टार्क मिले उसको बोलते हैं एस एम टी ठीक है और मतलब एस एम टी से लेकर के एस जीरो तक क्या है यहां पर सारे पॉइंट एस स्क्ल टू जीरो से लेकर के और एस स्क्ल टू एस एम टी तक सारा इस पॉइंट पर क्या है आपका स्टेबल पॉइंट है तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे इस एरिया को हम लोग ऑपरेटिंग जोन बोलेंगे क्योंकि इसी जोन में मोटर क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा और इसी मोटर इसी जोन में मोटर चलेगा क्योंकि तो यदि ये पॉइंट क्या है यहाँ पर सारे पॉइंट स्टेबल पॉइंट है क्लियर है तो वही हमने लिखा है एस स्क्ल टू एस एम टी से लेकर के एस स्क्ल टू एस जीरो तक का जोन स्टेबल होता है अब जब स्टेबल होता है तो मोटर को जो आप ऑपरेट करेंगे मोटर को जो आप चलाएंगे इंडक्शन मोटर पर तो किस जोन में लाई करेगा वो इसी जोन में लाई करेगा ये तो यहां पर स्लिप कितनी होती है यहां पर स्लिप लगभग दो से लेकर के तीन परसेंट तक होती है तो दो से लेकर के तीन परसेंट का अर्थ क्या है कि यहाँ पर अगर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑपरेटिंग जोन पर जिस पर ये आपका मोटर क्या करता है ऑपरेट हो, होता है उस समय स्लिप कितनी होती है वो लगभग क्या होती है दो से तीन परसेंट होती है क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटिंग जोन क्या है ऑपरेटिंग जोन होती है क्योंकि वहाँ की स्टेबिलिटी क्या होती है अच्छी होती है हमने वही लिखा है अतः मोटर इसी जोन में रन करता है इतना क्लियर है अब बात करते हैं कि इस जोन ये क्या होगा ये आपका स्टेबल स्टेबल कंडीशन हो गया और ये क्या होगा अनस्टेबल कंडीशन हो गया अब बात करते हैं तो ये जो आपका सारा पॉइंट हो गया ये अनस्टेबल होगा क्यों अनस्टेबल होगा क्योंकि ये सारा पॉइंट आपने देखा था ये सारे पॉइंट क्या है अनस्टेबल है क्योंकि यहां पर स्पीड को आप बढ़ाएंगे तो और स्पीड बढ़ जाती है जो कि बढ़नी नहीं चाहिए स्पीड को घटाते हैं तो और स्पीड घट जाती है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए वो बढ़ जानी चाहिए मतलब इस एरिया का ये क्या है ये अपोजिट है क्लियर है तो अगर हम पूछें कि इंडक्शन मोटर किस जोन में ऑपरेट ऑपरेट करते या किस जोन में चलता है या किस जोन में रन करता है तो हम बोलेंगे वो एस टू एस एम टी से लेकर के एस ले जीरो के बीच में रन करती है लगभग जो इसकी वैल्यू क्या होती है ये दो से लेकर के तीन परसेंट तक के कि बीच मतलब इसी बीच में आएगी जहां पर स्लिप की वैल्यू क्या होगी दो से तीन परसेंट होती है ठीक है इतना क्लियर है अब देखिए इसी पर एक न्यूमेरिकल गेट पर आया है द टार्क स्पीड कैटिस्टिक ऑफ मोटर टीएम टीएम एंड लोड टार्क कैटिस्टिक टीएल दो केस आपके यहां पर दिए गए हैं अब पूछा है द लोड टार्क इज इक्वल टू मोटर टार्क एट द पॉइंट पी क्यू यहां पूछा है चार पॉइंट दिया है पी क्यू आर एस इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा पॉइंट आपका स्टेबल होगा कौन सा पॉइंट अनस्टेबल होगा तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर आप स्पीड को क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए तो स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टीएल तो वही है टी आपका घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी घट बढ़ने आ, घटने का अर्थ टीएल आपका बड़ा है इसका ये क्या इस्टेबल है स्टेबल पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे उल्टा मिलेगा अब बात करते आर में आर में अगर आप स्पीड को बढ़ा दिए तो स्पीड को बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गया तो ये आपका टीएल हो गया और ये आपका क्या हो गया टी हो गया तो यहाँ पर क्या है ये अनस्टेबल होगा क्योंकि टी आपका बड़ा है यहाँ पर अगर बात करते स्पीड को बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर क्या है टी तो आपका सॉरी ये आपका क्या है टी है और ये क्या है आपका यहाँ पर जो कट करेगा वो टी है तो यहाँ पर टी पर क्या है बड़ा है तो ये क्या क्या एस पॉइंट भी क्या हो गया स्टेबल हो गया तो P और S क्या है स्टेबल पॉइंट है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका B हो जाएगा तो आज के लिए इतना रखते हैं धन्यवाद नमस्कार